गिरह गिले शिकवों की खोलते रहिए, मीठे मीठे बोल सदा बोलते रहिए। नफरत के बादल में होती नहीं बूंदें, ये राज जमीनों पे खोलते रहिए। बड़ी खूबसूरत हो जाएगी जिंदगी की तस्वीर, थोड़ा थोड़ा प्यार रिश्तों में घोलते रहिए। जी हाँ, हर रिश्ते की नींव होता है प्यार, और इसी प्यार का इजहार करने का दिन भी आ चुका है। वैलेंटाइंस डे की बात कर रहे हैं हम, और वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर जहाँ हर कोई नए रिश्ते की शुरुआत करने जाता है, तो कोई पुराने रिश्तों में ही नए रंग भरने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे खास बात जो होती है वो होती है वैलेंटाइंस डे के दिन प्यार के इजहार की बात। वैसे तो बदलती लाइफस्टाइल के साथ कई नए ट्रेंड्स भी आ चुके हैं, प्यार का इजहार करने के तरीके भी बदल चुके हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा गिफ्ट चूज़ किया गया है, यानी किस गिफ्ट के ज़रिए अपने प्यार का इजहार किया जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज इस बार कौन कौन से गिफ्ट ट्रेंड्स में हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे वैलेंटाइंस डे की तैयारियां तो काफ़ी पहले ही शुरू हो जाती है, लगभग एक हफ्ते पहले से ही ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। आपको बता दें कि शुरुआत होती है इसकी रोज़ डे के साथ, तो उसके भी काफ़ी बेहतरीन ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है टेडी डे, चॉकलेट डे, तो ये तमाम गिफ्ट्स फिलहाल काफ़ी ट्रेंड में है, और एक से एक बेहतरीन ऑप्शंस आपको मार्केट में इसके ज़रूर मिल सकते हैं। फिर आता है वैलेंटाइंस डे, और सबसे बेहतरीन तरीका यदि अपने प्यार के इजहार का कोई है तो वो है मुंह मीठा कराकर, जो किया जाता है। तो इसके लिए स्पेशली वैलेंटाइंस डे के लिए कुछ चॉकलेट्स के ऐसे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं जो ज़रूर आपके पार्टनर्स को पसंद आएंगे। वहीं अगर हम बात करें लेटेस्ट ट्रेंड की, तो अपने प्यार का मेजरमेंट, जी हाँ, लव मीटर से प्यार को मेज़र भी किया जा रहा है। सबसे पहले चलिए जानते हैं क्या है इस लव मीटर का आइडिया। आपसे जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल जो सबसे ट्रेंडी जो गिफ्ट है वो लव मीटर नज़र आ रहा है, इसके बारे में बताइए। लव मीटर में आप इसको अपने हाथ में पकड़ते हैं, तो जो रेड पानी है ये ऊपर चढ़ता है, तो इसको लव मीटर बोलते हैं। वो ये काफ़ी डिमांड में है अभी, वो बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके अलावा और कौन से उनसे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ये मैसेज बोतल है, इस पर मैसेजेस लिख सकते हैं अपन अपने पार्टनर के लिए, जो भी अपना लिखना चाहते हैं। फिर ये गोल्डन रोज है, उसके बाद ब्रेसलेट्स वगैरह है, की लॉक वाले, और कपल रिंग्स है, कपल वॉचेस है, टेडी वेयर है, चॉकलेट्स है। और इस बार किस तरह के ग्रीटिंग कार्ड सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं? ग्रीटिंग कार्ड्स में म्यूजिकल ग्रीटिंग कार्ड्स है काफ़ी चलते हैं। जो तो ग्रीटिंग कार्ड्स जो कि शब्दों के जरिए अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वहीं आप जानना चाहेंगे कि लोग मार्केट में घूम घूम कर अपने पार्टनर के लिए किस तरह का गिफ्ट चूज़ करना चाह रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? स्वर्णा। स्वर्णा जी, आप अपने पार्टनर के लिए कैसा गिफ्ट ढूँढ रही हैं? मैं अपने पार्टनर को चॉकलेट गिफ्ट करूंगी। तो ये आपका म्यूचुअल है कि हर बार चॉकलेट्स देना पसंद करते हैं, या इस बार कुछ स्पेशल है? मैं मेरे हस्बैंड के लिए खरीदूंगी, तो मैं मेरे हस्बैंड को चॉकलेट गिफ्ट करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है, और डेरी मिल्क में फ्रूट नट का जो फ्लेवर है वो उनको ज़्यादा पसंद आता है। ओके, और अगर आप अपने लिए कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही हैं तो वो क्या होगा? मेरे लिए गिफ्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगी उसके पहले मतलब एक्सपेक्टेशन के पहले ही मुझे मिल जाता है। ग्रेट, तो देखा आपने कि वैलेंटाइंस डे काफ़ी ट्रेंडी है, अपने हस्बैंड के लिए भी काफ़ी सारी खोजबीन की जा रही है कि क्या है उनका टेस्ट, क्या उन्हें पसंद आएगा, कुछ इसी तरीके से गिफ्ट चूज़ किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ़िलहाल क्या क्या कुछ खास चल रहा है। मैम, अगर आप चूज़ करेंगी गिफ्ट तो क्या होगा वो? टेडी। टेडी बियर, ये आपकी पर्सनल चॉइस है या उनकी चॉइस है? उनकी चॉइस। ओके, तो टेडी बियर अभी भी, यानी वैसे तो कहा जाता है कि टेडी बियर बच्चों के खेलने की चीज़ है, लेकिन जब बात आती है वैलेंटाइंस डे की तो ये बन जाता है प्यार के इजहार का एक ज़रिया। तो देखा आपने कि इस बार किस तरह के बेहतरीन गिफ्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर अभी तक आपको भी अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल नहीं मिल पाया है तो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या खास है इस बार वैलेंटाइंस डे पर। वैलेंटाइन डे इस बार हम हमारे फैमिली के साथ बनाने वाले हैं। फैमिली भी एक तरीके से लवी है, हमारी इच्छा है कि इस बार पेरेंट्स के साथ डिनर पर जाएं और कुछ अच्छा करें, तो ताकि घर वालों के साथ भी थोड़ा कुछ अच्छा हो जाए।
बाकी फ्रेंड्सों के साथ तो हम वैलेंटाइन डे बनाते ही रहते हैं। तो देखा आपने किस तरह से एक बेहतरीन नायाब तोहफे आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए या फैमिली मेंबर के लिए या फिर दोस्तों के लिए ही क्यों ना, अगर आप भी अभी गिफ्ट देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो मार्केट में कई ऑप्शंस अवेलेबल है। और एक बार फिर आपको बता दें कि रिश्तों की खूबसूरती ही होती है प्यार, लेकिन बहुत जरूरी है इस प्यार का इजहार। तो इस दिन को आप भी बेहतरीन तरीके से मनाइए। और वैलेंटाइंस डे सिर्फ और सिर्फ लाइफ पार्टनर तक ही सीमित नहीं है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी खुश कर सकते हैं, वहीं दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। धन्यवाद। एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।